स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट हंट के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरे भारत के निवासियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुकी हूं। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ में आ चुकी है 1400+ वैकेंसीज, और ये जो वैकेंसीज है इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जॉब के लिए। अगर आपने भी 12वीं पास कर रखी तो आप भी जल्दी से ये पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में वैकेंसीज है, अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 1458 वैकेंसीज आ चुकी है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज। यहाँ मैंने टेबल पूरा बना लिया employmenthunt.com से इन्फॉर्मेशन पिक करके। देखिए जो वैकेंसीज हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनो के लिए 143, और उसी तरह हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 1315 वैकेंसीज हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ मैं आपको सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बताती हूँ। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 25 ईयर्स। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ये जरूरी है कि आपने 12वीं पास कर रखी हो या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पे स्केल की। देखिए जो ASI स्टेनो की पोस्ट है उस पर जो पे स्केल रहेगा वो 29,200 से 92,300, और अगर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो उस पर 25,500 से 81,100। दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ ये जो सीआरपीएफ में भर्ती होगी इसके लिए काफी ज्यादा सिलेक्शन राउंड्स रखे गए हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट, फिर एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद एक रिव्यू मेडिकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 25 जनवरी 2023 है, और आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये तो है सीआरपीएफ की जो नई भर्ती 2023 में सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है इस साल की, 1400+ वैकेंसीज ऑल इंडिया की कैंडिडेट्स के लिए। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो employmenthunt.com को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए दोस्तों नीचे ग्रे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के पूरे भारत की टॉप सरकारी नौकरियों की अपडेट जो है वो तुरंत पा लीजिए।